त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रयायुधं त्रिजन्म पाप संहारं एक बिल्वं शिवार्पणं। त्रिदल त्रिनेत्र त्रिशूल, हाँ आचार्य कहते हैं वो है त्रिदेव जिसके अंश मात्र से हजार ब्रह्मा हजार विष्णु और हजारों हजार महाराज। आचार्य कहते हैं वो भगवान है। और आप जो आरती गाते हो ना आरती शंकर जी की, वो त्रिदेव की आरती है। किसकी आरती है? त्रिदेव की आरती है। कौन सी आरती? एकानन चतुरान पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन वृषभासन साजे ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन। एकानन कौन है? एकानन है महाराज भगवान विष्णु। चतुरानन कौन है? बोले भगवान ब्रह्मा। पंचानन कौन है? बोले भगवान शिव। एक सिर विष्णु जी का, चार सिर ब्रह्मा जी के, पांच सिर शंकर जी के। और हंसासन गरुड़ासन, हंस किसका आसन है? ब्रह्मा का। गरुड़ किसका आसन है? बोले गरुड़ विष्णु का। और वृषभ किसका आसन है? शंकर जी का। राधे राधे। फिर क्या कहते हैं आगे? दो भुज चार चतुर दस भुज ते सोहे भोले दस भुज हो तीनों रूप निरखता शिव जी को त्रिभुवन मन मोहे ओम हर 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 चार भुज चतुर्भुज। दो भुज कौन? बोले दो भुजा वाले ब्रह्मा जी, चार भुजा वाले भगवान चार भुजा नाथ, चार भुजा नाथ भगवान विष्णु, और दस भुजा वाले देवाधिदेव महादेव। और तीनों रूप नहीं रखता त्रिभुवन मन मोहे, जो त्रिभुवन में व्याप्त परमात्मा वो मेरा ईश्वर शंकर है। राधे राधे। फिर आगे क्या? अक्ष माला बन माला मुंड माला धारी। अक्ष माला वन माला, अक्ष माला ब्रह्मा, वन माला विष्णु, और मुंड माला कौन पहनता है? शंकर। फिर आगे श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंग। श्वेत वर्ण का कौन, श्वेत कपड़े कौन धारण करता है? बोले श्वेत, श्वेत कोई धारण करता है तो ब्रह्मा। पीतांबर कौन धारण करता है? विष्णु। और बागांबर कौन पहनता है साहब? किसकी आरती गा रहे हैं? कर मध्य सुकमन डलु चक्र त्रिशूल धरता वो भोले सुख करता दुख हरता सुख करता दुख जग पालन करता ओम हर 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 महाकालेश्वर भगवान की। कर मध्येषु कमंडल, कर में कमंडल किसके? बोले ब्रह्मा के। और चक्र त्रिशूल धरता, बोले चक्र विष्णु के और त्रिशूल भगवान शिव के। इसलिए महाराज ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका और प्रणव अक्षर के मध्य यह तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। बोलो हर हर महादेव। रजोर से क्या बात है भक्त और भगवान की। तो इसलिए कोई बड़ा नहीं है महाराज संसार में। आचार्य कहते हैं मैं बड़ा, मैं श्रेष्ठ हूँ, मेरा घर बड़ा, मेरी बात बड़ी। इसी कारण लोग दुखी हैं। रोज सुबह उठते हैं लोग और उठकर सुख पाने के लिए, सुख चाहने, सुख की प्राप्ति के लिए लोग दौड़े जा रहे हैं। सुख मिलेगा, सुख मिलेगा, सुख मिलेगा, और आखिरी को मिलता क्या है? दुख मिलता। सुख पाने की चाह में मिल जाता है दुख। इसलिए सुख पाना है तो भगवान शिव जी की ओर दौड़ लगाओ। आचार्य कहते हैं श्री ब्रह्मा जी भगवान को श्री विष्णु जी भगवान ने समझाया और कहा है प्रभु आप भी श्रेष्ठ नहीं हो ना मैं श्रेष्ठ हूं, हम दोनों से श्रेष्ठ हैं भगवान शंकर। कौन है शंकर? कैसा है शंकर? कैसा दिखता है शंकर? कैसा रूप है शंकर का? कहां है शंकर? और जब पूछा